सिंह चिल्ला रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं तो शिवराज सिंह को कहता हूं, 15 साल आपने झूठ बोला है, 15 दिन और झूठ बोलने दिए। मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे शिवराज सिंह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश के किसानों का प्रमाण पत्र चाहिए। और शिवराज सिंह की बात करते हैं, शिवराज सिंह की बात करते हैं, कल कह रहे थे सुरेश पचौरी जी गए थे 21 लाख की सूची लेके उनके पास, उन्होंने कहा कर्जा माफ नहीं है, ये झूठी सूची है। मैं तो आज ये कहना चाहता हूं आप कहना कि शिवराज सिंह कहते कर्जा नहीं माफ हुआ, शिवराज सिंह के पास ये है उनकी एप्लीकेशन। और एक कहते कर्जा माफ नहीं हुआ, रोहित सिंह और निरंजन सिंह कौन है? मैं पूछना चाहता हूं उनका गांव जैत में, एक गांव केवल उनके गांव में 94 किसानों का कर्जा अभी तक माफ किया है 1 करोड़ रुपए का। शिवराज सिंह जी कितना झूठा बोले थे आपने, तो किसानों को 15 साल झूठ बोलते रहे, कहते थे मैं किसान का बेटा हूं, कैसे किसान के बेटे हैं? कर्जा माफ किया क्या? किसानों को सही मूल्य मिला? आप तो ऐसे किसान के बेटे हैं जिसने किसानों के पेट में मारी लात और छाती में मारी गोली, और आप कहते हैं कि आप किसान के बेटे। 2 घंटे के अंदर आदेश पास किया, हमने निर्णय लिया कि हम किसानों के कर्जे की कार्रवाई शुरू करेंगे। कितने दिन थे मेरे पास? 75 दिन थे, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, हमने शुरुआत करी और 21 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। अभी तक हम वचनबद्ध हैं कि जैसे चुनाव खत्म होता है इसकी कार्रवाई शुरू होगी, और जो हमने वचन दिया है कि हम हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, हम चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करेंगे। के 5 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा, ऐसा मध्य प्रदेश जो पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा मध्य प्रदेश जो बेरोजगारी में पूरे देश भर में नंबर 1, ऐसा मध्य प्रदेश जो बलात्कार में नंबर 1, ऐसा मध्य प्रदेश जो भ्रष्टाचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती हो, हमारे नौजवानों की चुनौती हो, हमारे पेयजल की चुनौती हो, हमारे सिंचाई की चुनौती हो, ये सब चुनौती 125 दिन पहले हमारे गोदी में आई। 600 करोड़ रुपए की शिवराज सिंह जी ने वृक्षारोपण की योजना बनाई। मैंने कहा 600 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण, मैं तो जाके देखूं। मैं देखने गया कि ये 600 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण होता क्या है, इतना बड़ा घोटाला, 1 करोड़ का वृक्षारोपण, 600 करोड़ रुपए का घोटाला। ये आज सच्चाई है जो मैं कहता हूँ, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई का साथ दीजिए, और जिनकी आंखें बंद है उनकी आंखें खोलिए। मोदी जी गंगा तो आपने साफ करी नहीं, आपने तो बैंकों को साफ कर दिया। जिसकी नियत साफ नहीं हुए वो क्या गंगा साफ करेंगे? आज मोदी जी इन पर कुछ बोलते नहीं, ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, वो बात चलता है मोदी जी का। आज बात करने लग जाएंगे, आज किसकी बात करते हैं? आज बात करते हैं देश मेरे नीचे सुरक्षित है, देश मेरे नीचे सुरक्षित है मोदी जी कहते हैं। जैसे कि 5 साल पहले देश असुरक्षित था, 10 साल पहले देश असुरक्षित था, मोदी जी याद रखिएगा जब आपने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।